अरे सोनिया कहाँ रह गई थी? बेवकूफ लड़की, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुझे पता है मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। अरे अम्मा, इंसान का दिल धक धक करना बंद हो जाए ना तो उसकी मौत हो जाती है। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारा दिल धक धक कर रहा था। ए बस रहने दे, हर वक्त ना ये मजाक टटोल जो है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा सुन सोनिया, अरे वो जो गंजा है ना, वो आई थी हमारे घर के बाहर। वो तो मैंने अचानक दरवाजा खोल के उसकी ओढ़ में से देखा तो बाहर खड़ी किसी औरत के साथ बातें कर रही थी। हाय मैं तो डर गई। अल्लाह माफ करे अम्मा, तुम गंजा से इतना डरती हो? डरू ना और उससे? तू जानती नहीं उसको कि वो किस कदर खतरनाक औरत है। वो है ही इतनी मनहूस मारी, देखी नहीं उसकी हरकतें कितनी जहरीली है वो। अरे मैं जल्दी जल्दी अंदर आई, अंदर आते साथ ही तेरे बेडरूम में वो जो तस्वीर लगी हुई ना तेरी और सोहेल की, भाई ये उतार उसको, ये छुपा वो छुपा, पहले जल्दी से छुपा दिया। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर कहीं वो देख लेती तो भाई कयामत भरपा हो जाती। अम्मा कयामत तो आनी है एक ना एक दिन, ये पता नहीं कि कब आ जाए। बस मैं तो एक तो चीजों का इंतजार कर रही हूँ, वो हो जाए ना तो कयामत मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा छोड़ इन बातों को, पता नहीं अब तू क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली। सोनिया ये मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आई है। क्या? खाना बनाने की? बड़ी तू हंसाने वाली बातें करती है। अरे हर वक्त का मजाक बेटा अच्छा नहीं होता। देख मेरी बात सुन, सुहेल से बोल कि वो हमें ना इस्लामाबाद में घर ले दे। चल अगर वहां नहीं भी लेके दे सकता तो खैर है, लाहौर में ले दे। कम अज कम हम माँ बेटियां अकेली वहां सुकून से तो गुजर बसर करेंगी। यहाँ तो हर वक्त दिल को यही धड़का लगा रहता है कि अभी किंजा आई अभी ना आई। बस अम्मा दो चार दिन की बात है, फिर देखना सारे खौफ सारे डर सब खत्म हो जाएंगे। क्या कैसे? कुछ भी हो सकता है अम्मा, देखती जाओ बस। अरे लेकिन कुछ पता भी तो चले, क्या करेगी? मेरे खुदाया ये लड़की अब पता नहीं क्या स्कीमें बना रही है, हर वक्त टेंशन देती रहती है मुझे। या अल्लाह खैर कर, इस लड़की को तू ही हिदायत दे।